बिग बॉस सीजन 13 के फिनाले में सिद्धार्थ शुक्ला के विनर बनते ही शो के सीजन का एंड हो गया है। टीवी के सबसे चर्चित शो बिग बॉस सीजन 13 में सिद्धार्थ शुक्ला शुरू से ही बाकी कंटेस्टेंट्स के बीच मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ आसिम रियाज का भी नाम विनर लिस्ट की रेस में आगे रहा। टॉप 3 कंटेस्टेंट्स में सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज और शहनाज गिल पहुंचे थे। इस पूरे शो में सभी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते नजर आए, लेकिन आखिर में सिद्धार्थ ने शो में हिस्सा लेने वाले बाकी सभी कंटेस्टेंट्स को मात देते हुए ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। बिग बॉस सीजन 13 के विनर बने सिद्धार्थ को इनाम में 50 लाख रुपए और एक ट्रॉफी दी गई। बिग बॉस सीजन 13 का विनर बनने की खुशी सिद्धार्थ के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उन्होंने अपने जीत का श्रेय सलमान खान की डांट और सलाह को दिया। मीडिया से बात करते हुए सिद्धार्थ ने कहा कि शो में कई बार वो गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया करते थे। उन्होंने बताया कि कई बार उनकी हरकतें ऐसी होती थी कि उन्हें सलमान सर से एक बार फिर नहीं बार बार डांट पड़ती थी, लेकिन उन्होंने सलमान की सलाह और डांट दोनों को गंभीरता से लिया। बावजूद इसके कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती थी कि खुद अपने ही रिएक्शन पर निराश होने लगते थे। सिद्धार्थ ने आगे ये भी कहा कि कभी कभी सोचकर अजीब लगता था कि सलमान सर आपके ऊपर इतनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं और आपको अच्छी सलाह दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये वाकई हकीकत में एक डरावने सच जैसा होता है। बुरा लगता है जब मैं उनकी सलाह को फॉलो नहीं कर पाता, तो अंत में मैंने अपने गुस्से पर सफलता पाते हुए शो का विजेता बना। कहीं ना कहीं सलमान सर की बातें और मुझे मिली शो में सफलता सब सलमान सर की ही सलाह की देन है। उन्होंने रश्मि को लेकर साफ कहा कि रश्मि देसाई से जो झगड़ा था वो शो के अंदर था और अब वो पूरा खत्म हो चुका है और अब रश्मि से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और आगे कभी रश्मि से वो मिलेंगे तो काफी आराम से मुलाकात करेंगे। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।